गाइज वेलकम बैक टू दर वीडियो आई होप ऑल गाइज अड ऑफ सफाइज हो गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में जो आप एलएलबी के बात कर सकते हैं hey गाइज मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे बातें की थी कि जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है आपके लॉ करने के बाद चाहे वो फाइव ईयर्स का कोर्स हो या थ्री ईयर्स का कोर्स हो तो इसमें जो है वो हम लोग गवर्नमेंट जॉब में भी कर सकते हैं और कुछ प्राइवेट सेक्टर में या प्राइवेट जॉब्स भी होती भी। क्या क्या जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो हमें देखने को मिलती है काफ़ी अच्छे अच्छे पोस्ट जो हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं तो उन्हीं सभी चीज़ों के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा यहाँ पर मैं बताऊँगा कि आप जो है वो गवर्नमेंट जॉब एज़ वेल एज़ अगर प्राइवेट में जाना चाहते हो तो कौन कौन से जो है वो आपको ऑप्शन दिखेंगे और वहाँ पर अपने मन मुताबिक या कहीं भी आपको इंटरेस्ट हो तो उसके लिए आप जो है वो प्रिपेयर कर आ, कर सकते हो वेल वेलगाइ सबसे पहले जो बात कर लेते हैं कि आपका जो है वो एल आप करना चाहते हो तो इसके जो है वो दो रास्ते हैं इसमें जो है वो फर्स्ट जो है वो आप ट्वेल्थ के बाद जा सकते हैं जिसमें कि फाइव ईयर्स का कोर्स है सेकंड जो है वो फाइव ईयर्स कोर्स के लिए जो है वो आप लोग क्लैट वगैरह के थ्रू जा सकते हैं कई सारे अगर आप क्लैट को टारगेट कर रहे हैं तो आप इसकी तैयारी पे कर सकते हैं जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेगी अनलिमिटेड क्विज लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशन और, और यहाँ पे आपको बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका साथ ही वीकली इवेंट्स होते हैं और यहाँ पे आप 500 से भी ज्यादा नेशनल मॉक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट को भी एक्सेस कर पाओगे साथ ही क्लैट 2022 के लिए टारगेट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको सिक्स मंथ्स का बैच जो है मिल जाएगा अगर आप क्लैट दो

दिसंबर में है आपको एजुकेटर क्यूरेटेड टेस्ट मिलो आप एवरी ट्यूजडे थर्सडे और सैटरडे को शाम को छह बजे ज्वाइन हो सकते हो यूट्यूब इवेंट पे जो है वो आपको मेंटी क्विज होगा क्लैट 2022 और 23 के एक्सप्रेंड के लिए जहां पे आप जो है वो एमेजन वाउचर पाँच सौ तक का जीत सकते हो साथ ही आप यूट्यूब पर अनअकेडमिक क्लैट के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और उनके वीडियोज को देख सकते हो वेल गाइज दूसरा जो ऑप्शन है आपका एल करने का वो है थ्री इयर्स कोर्स जो कि आपके ग्रेजुएशन के बाद होता है इसमें कि आप जो है वो तीन साल का जो है वो कोर्स कर सकते हैं सबसे पहले जो है हम लोग बात कर लेते हैं हॉक के कंप्लीट होने के बाद आप लोग क्या कर सकते हो कहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी है सबसे पहले तो मैंने प्रीवियस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा बात कर ली थी प्रैक्टिस के बारे में प्रैक्टिस अगर मैं जानना चाहता हूँ तो प्रैक्टिस में जा सकते हो दूसरा जो है वो जुडिसरी में जा कर सकते हो वहाँ पे जज वगैरह के लिए तैयारी कर सकते हो तीसरा जो है वो टीचिंग में जा सकते हो आप जो है वो पी या नेट की एग्ज़ाम देकर यू नेट की एग्जाम देकर जो वो टीचिंग में भी जा सकते हो था जो है वो आप लोग प्राइवेट सेक्टर में या कंपनीज में में या लीगल एडवाइजर ऐसा कुछ जो है वो जॉब कर सकते हो तो ऐसा कुछ जो है वो आ, हमें जो है देखने को मिलता है अब जो है हम लोग बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट जॉब आपकी जो है वो क्या क्या है तो सबसे पहले जो है वो मैंने देखा है इसमें कि आपका जो है आईबीपीएस का जो बैंक के एग्जाम लेते हैं तो आईबीपीएस के थ्रू जो है वो आप लोग लॉ लो ऑफिसर जा लॉ ऑफिसर जा सकते हो बैंक में एज ए लीगल ऑफिसर जो जा सकते हो कि इसमें भी काफी अच्छा जो है वो एक जॉब अपॉर्चुनिटीज है इसमें ठीक है दूसरा जो है वो एक सेवी ग्रेड रिक्रूटमेंट है तो ये भी आपका काइंड ऑफ नाइन टू फाइव जॉब है इसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं होता ये काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है और इसमें जो है एक बात है कि स्लो प्रमोशन होता है लेकिन इसमें जो है अगर देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा एक जॉब हो सकता है तीसरा गाइज जो है वो uh, मैंने बात किया था पिछले वीडियो में भी कि आप जो है वो जैक यानी कि जज एव, एडवोकेट जनरल भी बन सकते हो सो तो गाइज ये जो है वो आपका आर्मी का लीगल मैटर को हैंडल करता है तो आर्मी में भी जो अगर लीगल मैटर्स होते हैं तो उनको जो है वहाँ पर देखा जाता है और इसमें जो है वो आपका लॉ तो होना ही चाहिए मतलब लॉ की डिग्री तो होनी चाहिए एज वेल एज आप लोग फिजिकली फिट भी होने चाहिए क्योंकि ऑफकोर्स ये आर्मी का जो है वो जॉब है तो इसमें जो है वो आपको फिजिकली फिट होना बहुत ही आवश्यक है जो है वो आपका मैक्सिमम ट्वेंटी सेवन ईयर्स तक की आपका जो है वो ट्वेंटी सेवन ईयर्स के बाद जो है वो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते तो ये जो है वो आपको ध्यान में रखना होगा फिर गए जो है वो आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होते हो जो इसमें कि स्टेट का जो भी केस होता है वो जो आप लोग हैंडल कर सकते हो नेक्स्ट मैं गैस बात करना चाहूंगा जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यू का जो है वो नेट का एग्जाम होता है जिसमें कि जो है वो आप लोग टीचिंग में अगर इंटरेस्टेड हो तो टीचिंग जा सकते हो अगर आप लोग अच्छा आ, बोलते हो अगर टीचिंग में इंटरेस्ट है तो आप जो है वो सबसे पहले तो इसमें जो है वो आपका आ, कह सकते हैं कि आपको आ, पीजी यानी कि आपके पास एल की डिग्री होनी चाहिए उसके बाद जो है वो यू जी नेट का एग्ज़ाम होता है तो उसमें जो है वो आपको वो क्लियर करना होगा और उसके बाद जो है वो आप लोग यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेज में जाके जो है वो अपनी आ, वहाँ पर जो है वो पढ़ा सकते हो एज ए फैकल्टी या एज ए टीचर जो है वहाँ पर आप लोग क्लासेस ले सकते हो इस गवर्नमेंट जॉब में आ, मैंने भी बात किया था अभी जस्ट कि आपका जुडिशरी में जा सकते हो जुडिशरी काइंड ऑफ एक बहुत ही फेमस है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो इसी की तैयारी करते हैं जज बनने के लिए और ये जो है वो हमेशा जो है आपके स्टेट लेवल पे होता है जैसे कि Uh, बिहार में जो है पी uh, जे होता है मध्य प्रदेश uh, आपका न्यू दिल्ली तो इस तरह से जो है वो स्टेट वाइज जो है uh, इसमें जो है वो एग्जामिनेशन होती है ने? इसमें जो है वो आपका uh, तीन लेवल पे जैसे होता है प्री मेंस और इंटरव्यू होता है और उसके बाद जो है वो आप लोग जज के तौर पे रिक्रूट हो जाते हो नेक्स्ट गाइज काफी इंटरेस्टिंग इसमें है आर ग्रेड बी का लीगल ऑफिसर आप लोग uh, बन सकते हो ये जो है वो uh, इसमें जो है वो आप लोग लीगल ड्राफ्टिंग आपका जो है कंसल्टेशन और आर के जितने भी लीगल legal... काइंड ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेशन होते हो जितने भी लीगल केसेस होते हैं तो उसमें जो है वो आपको देखना होता है इसमें जो है दो साल का जो है वो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रैक्टिस का और वो बी से जो है वो इन्वॉल्व होंगे ऑफकोर्स अगर आप इनरॉल्व होंगे तभी तो आप दो साल जो है वो प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद जो है वो इसके लिए जो है वो आप लोग एलिजिबल हो सकते हो ये काफ़ी एक अच्छा जॉब है लास्ट में जो है मैं बात करना चाहूँगा कि आप जो है वो प्रैक्टिस वगैरह में भी जा सकते हो या लॉयर एज अ लॉयर जो है वो आप लोग अपने केसेस देख सकते हो तो इसमें जो है वो सबसे पहले तो प्राइवेट कंपनीज में भी जो है जो आप एक लीगल जो है डिपार्टमेंट होता है उसमें भी जो है ज्वाइन हो सकते हो या लॉ फॉर्म में भी जा सकते हो एक अच्छा मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज होता है काइंड ऑफ कॉर्पोरेट तरह का होता है उसमें हम लोग कह सकते हैं सो so, ये सब सारी जो चीज़ें मैं एक आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो उसमें जाने के बाद आप जो है वो कई तरह के लॉयर बन सकते हो जैसे कि इन्वायरमेंटल लॉयर बन सकते हो इन्वायरमेंटल लॉयर बनने में क्या है कि आप एन वगैरह से जुड़ सकते हो और जो भी पर्यावरण के बचाव के लिए जो भी मुद्दे होते हैं या जो भी कुछ भी जैसे कि कई सारी जगहों पर हम लोग देखते हैं कि आपका पॉल्यूशन हो रहा है या फैक्ट्रीज फ्रक्रे, में जितना भी पॉल्यूशन होता है तो उसको रोकने के लिए या तरह जितने भी इन्वायरमेंटल इशू हैं उनको हैंडल करने के लिए या उनको देखने के लिए जो है वो आप लोग इसका इन्वायरमेंटल लॉयर बन सकते हो फिर जो है वो साइबर लॉयर uh, बन सकते हो uh, uh, जितने भी uh, होते हैं कि थ्रेट आते हैं या आपके uh -huh. जितने भी फ्रॉड वगैरह होते हैं तो उसको काइंड ऑफ हैंडल करने के लिए या उसके जो भी केसेस होते हैं उसके लिए साइबर लॉयर uh, होते हैं एंड कॉपीराइट लॉयर होते हैं तो जितना भी कॉपीराइट जैसे कि हम लोग भी देखते हैं यूट्यूब पर कॉपी क्लेम आता है तो उस तरह का एक कॉपी होता है या पेटेंट होता है तो उस तरह के जो भी केसेस होते हैं तो उसमें एक कॉपी राइट एंड पेटेंट जो होते हैं लॉयर होते हैं वो जो ऐसे केसेस को भी हैंडल करते हैं तो उसमें भी काफ़ी अच्छा एक स्कोप है फिर आपका लेबर uh, लॉयर भी बन सकते हैं तो लेबर लॉयर लेबर लॉयर में जो है वो आपका जितने भी मजदूर संघ होते हैं या मजदूर होते हैं तो उनके जो है उनके राइट के लिए या कुछ भी मतलब कोई भी डिस्प्यूट होता है या कोई भी केसेस होता है कंपनीज़ में तो उस पर जो है वो उनके जो है आप लॉयर बन सकते हैं फिर जो है वो इंटरनेशनल लॉयर भी बन सकते हैं आप अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है या इंटरनेशनल मुद्दों पे आपका काफ़ी इंटरेस्ट है तो इसमें भी जो है वो जा सकते हैं और कॉरपोरेट लॉयर के बारे में तो मैंने बात कर ही दिया है तो गाइज कुल मिलाकर मैंने जो है इसमें जो है वो सब कुछ कवर कवरअप करने की कोशिश की आपका जो है वो गवर्नमेंट जॉब एज वेल एज प्राइवेट में क्या क्या कर सकते हो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है हो सकता है कि इसमें भी कई सारी जो चीज़ें हैं वो मुझे छूट गई होगी तो आप लोग ज़रूर बताना और आप लोग बताना गाइस कि आपका क्या इंटरेस्ट है आप लोग कहाँ जाना चाहते हो जुडिशरी में या गवर्नमेंट में या प्राइवेट के सेक्टर में जाना चाहते हो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा काइंड kind ऑफ of ये मैं बताने की कोशिश किया कि क्या क्या जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है पिछले वीडियो में मैंने इस पर थोड़ी बहुत बात की थी तो सोचा कि इस पर जो है वो विस्तृत तौर पर जो है वो आपसे डिस्कस किया जाए बातें किया जाए कुछ भी चीज़ें थी वो वहाँ पर मैंने आपके साथ डिस्कस किया आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा यहीं तक रखते हैं और यहां तक तो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों साथ शेयर कीजिएगा चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कीजिएगाइ और लास्ट में बस यही कहूंगा कि हो सकता है कोई भी चीज मुझसे छूट गई होगी या इसमें और भी कुछ ऐड कर सकते हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा एंड गाइज कुछ अगर गलत इंफॉर्मेशन दे दिया हो तो आप लोग तो जरूर बताना उसको जो है वो हम लोग ठीक करने की कोशिश करेंगे और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइस बाय बाय सी द नेक्स्ट वन एंड ज जिसमें मैं बताना चाहूंगा कि, कि अगर आपको मेरी आवाज कम आ रही है तो मैं बताना चाहूँगा अभी रात में जो है वो सूट कर रहा हूँ इसका आंसर थोड़ा सा धीरे बात कर रहा हूँ तो इसमें जो है थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लेना ठीक है